ताकत और खूबसूरती का संगम है अफ्रीका की विशाल बिल्लियां। हम इन्हें राजा मानते हैं जो जंगल के डरे हुए जानवरों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन इनके सारे पड़ोसी इनकी हुकूमत को नहीं मानते, खासतौर पर लकड़बग्घे। दोनों में कई चीजें एक जैसी हैं। शेर झुंड में रहते हैं और शिकार करते हैं, लकड़बग्घे भी टोली में रहते हैं। दोनों ही बहुत ही कामयाब शिकारी होते हैं। दोनों एक ही शिकार को मार गिराने के लिए अलग अलग तकनीकों के जरिए मुकाबला करते हैं और लाखों सालों से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। लायंस वर्सेस हाइनास। उत्तरी सेरेंगेटी के घास के मैदानों पर सुबह की लालिमा बिखर रही है। ग्रेनाइट की इन चट्टानों पर बसेरा है शेर के एक झुंड का। यहां इतनी सारी दरारें और खोहे हैं कि इनमें यहां की तीन शेरनियां अपने शावकों को अच्छी तरह छिपा सकती हैं। सुबह ही रोशनी में बहुत सारे नन्हे शावक अपनी दरारों से बाहर आ गए हैं बाहरी दुनिया को देखने। शेरनी की पूंछ खानदान के सारे बच्चों के खेलने के लिए रस्सी का काम करती है। ये मजे कर रहे हैं। लेकिन इस झुंड के पड़ोसी बहुत ही खूंखार हैं। इन सपाट मैदानों पर बस कुछ ही किलोमीटर दूर चित्तीदार लकड़बग्घों की कोहों का जाल है जिनमें उनके बच्चे पल रहे हैं। इनका इलाका शेरों के शिकार के इलाके में पड़ता है और इन जानी दुश्मनों में अक्सर ही लड़ाई छिड़ जाती है। सुबह का आलस भरा वक्त यहां सन्नाटा पसरा है। कहीं कहीं कुछ माएं अपने शावकों की देखभाल कर रही हैं, पर लकड़बग्घों की टोली शेरों से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह अलग बात है कि इनके सभी 70 सदस्य शायद ही कभी एक साथ दिखते होंगे। वयस्क लकड़बग्घे ज्यादातर अकेले ही घूमते हैं। इनकी खोह में करीब 20 बच्चे पल सकते हैं। यहां इनके 6 अलग अलग बिल हैं। लकड़बग्घों और शेरों का कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि कुत्ते भी इनके रिश्तेदार नहीं हैं। इन मुर्दाखोर जीवों का इतिहास 2 करोड़ साल पुराना है। पचास लाख साल पहले इनकी ये चित्तीदार प्रजाति सामने आई थी। मुर्दाखोरी के साथ साथ ये शिकार में भी बड़ी माहिर थी। चट्टानी इलाके में खामोशी पसरी है। 2 किशोर शेर यहां वहां भटक रहे हैं। ये 1.5 साल के हो चुके हैं और जल्दी ही अपनी अलग जिंदगी शुरू करने वाले हैं। युवा मादाएं आमतौर पर अपनी माओं के साथ ही रहती हैं। शेरनियां इस झुंड की जान हैं। उन्हीं ने इस इलाके को जीता है और वो बहुत आक्रामकता के साथ इसे दूसरे शेरनियों से बचाती भी हैं।
ये ताकतवर शेर इन शावकों के पिता हैं। आमतौर पर ये सबसे दूर ही रहते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब झुंड की रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें शामिल होने का मौका मिल जाए। घुसपैठिए शेरों को खदेड़ना और शावकों की हिफाजत इनका काम है। यहाँ इनकी विशाल काया और जोरदार ताकत काम आती है। बाकी वक्त ये शिकार तक नहीं करते। शेरों का ये इलाका ग्रेनाइट की चट्टानों से लेकर संकरी झील और उस पार के विशाल मैदानों तक फैला है, जहां हैं बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां। खुले मैदानों पर दिन में शिकार को हैरत में नहीं डाला जा सकता। एक शेरनी अकेले शिकार करने निकली है, इस तरह उसे जानवर पहचान नहीं पाएंगे। जंगली शूकर तेज रफ्तार और चौकन्ने होते हैं। इतनी गर्मी है कि शेरनी इस पर हमले का सोच भी नहीं रही है। उसकी नजर एक और शिकार पर है। जंगली शूकरों का ये परिवार कुछ ही मीटर दूर है और ये काफी लापरवाह भी लग रहे हैं। मां अपने बच्चों को खबरदार करने के लिए आखिरी पल तक इंतजार कर रही है। वो जानते हैं कि उसकी रफ्तार ज्यादा है, इसलिए डटी हुई है। जैसे ही मौका आया वो भाग खड़ी हुई है। शेरनी समझ गई है कि इतनी रफ्तार तो नामुमकिन है और वो रुक गई है। पर अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ गई है। हालांकि ये जंगली शूकर काफी दूर है, पर शेरनी भागी चली जा रही है। अब उसे समझ में आ गया है कि ये मां इतनी देर से क्यों दौड़ी। उसके बाएं पैर में चोट लगी है, वो दौड़ नहीं पा रही है। उसे लगा होगा कि शायद शेरनी हमला नहीं करेगी, पर उसकी चाल पकड़ में आ गई है। लेकिन इसने अपने बच्चों की जान बचा ली है। कामयाबी अपने साथ दूसरी दिक्कतें लेकर आती है। यहीं के एक लकड़बग्घे ने यह सारा नजारा देख लिया है। एक लकड़बग्घा हो तो शेरनी निपट भी सकती है, पर अगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो तो उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ जाएगा। इसलिए वो लकड़बग्घे को बर्दाश्त कर रही है। फिलहाल लकड़बग्घा खा रहा है, इसलिए वो अपने साथियों को नहीं बुलाएगा। सभी को जंगल के तौर तरीके पता हैं। शेरों का सबसे बड़ा शिकार है जंगली भैंसे, जो इनके इलाके में चरते रहते हैं। लकड़बग्घों के लिए ये बहुत बड़े शिकार हैं। शेरों के लिए भी ये बड़े ही हैं, और वो एक दूसरे की हिफाजत भी करते हैं। लेकिन इस शेरनी को भैंसों की एक छोटी टोली दिख गई है, जो अपने झुंड से बिछड़ गई है। अब इन्हें बछड़े को अपनी मां से अलग करना है, और ये कोई आसान काम नहीं है।
इस बीच शेर की नजर इस खींचतान पर पड़ गई है, लेकिन शेरनियां भैंसों के सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पा रही हैं। यहां शेर की ताकत काम आएगी। शेर की रफ्तार कम होती है, पर क्या फर्क पड़ता है, भैंसे भी कहां तेज होते हैं। भैंस के मुड़ते ही तीनों शेरनियां फिर से कोशिश कर रही हैं। ऐसे भयानक सींगों वाले जानवर पर सामने से हमले का मतलब है जान गंवाना। बेचारा बछड़ा इस भगदड़ में बदहवास हो गया है। एक और शेरनी को अब मौका मिल गया है। लेकिन मां अपने बछड़े को बचाने दौड़ पड़ी है। अब शेर की ताकत ही काम आ सकती है। शेर के आते ही सारा मामला पलट गया है। सब कुछ थम गया है। इस भैंस ने एकदम सही पैंतरा आजमाया है। झुंड के लौटने तक वो शेर को धमका रही है, पर इस बीच वो मुड़ गई है। ये एक जानलेवा गलती है। आमतौर पर शेर अपने शिकार के लिए शेरनियों पर निर्भर रहता है। इस बार उसने खुद शिकार किया है। लकड़बग्घों में नर बहुत ही अलग भूमिका निभाते हैं। गुफा में एक मादा नर को धमका रही है। वो चुपचाप सहन कर रहा है। मादा लकड़बग्घों का जोश नरों से ज्यादा होता है, और इसके नतीजे हैरत भरे हो सकते हैं। मादाओं में एक सूडोपीनिस या नकली लिंग उगाता है ठीक स्तन के पास, जहां से वो बच्चों को दूध पिलाती है। मादाएं नरों से ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर होती हैं, और इसलिए नरों को दबदबे वाली इन मादाओं से इज्जत से पेश आना पड़ता है। ताकि उनका गुस्सा न भड़क जाए। ये वो समाज है जहां मादाओं का राज चलता है। यहां सभी मादाओं का दर्जा नरों से ऊपर होता है। और चूंकि माएं अपने बेटों की हिफाजत करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं, इसलिए ताकतवर मादाओं के बेटों का दर्जा भी ऊंचा होता है। इसलिए कोई युवा लकड़बग्घा अपनी माँ के सामने किसी वयस्क नर को धमका भी सकता है। अगर वयस्क नर ने जरा भी आवाज उठाई तो दबदबे वाली माँ आकर ताकत दिखाने लगती है। जब नौजवान मिलन के लायक हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ देते हैं और किसी अनजान झुंड का हिस्सा बन जाते हैं। वहां उन्हें अपना दर्जा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। किसी नए झुंड में ऊंचे दर्जे वाली मादाओं के बेटे ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास ज्यादा होता है। वो ज्यादा तेजी से हैसियत बढ़ाते हैं और ज्यादा बच्चे भी पैदा करते हैं। इसलिए इनकी माओं के जीन्स कम दर्जे वाली मादाओं से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। चट्टानों पर रहने वाले शेरों का इलाका यहां से लेकर सवाना घास के मैदानों पर बहुत दूर तक फैला हुआ है। शेरनियां शिकार के लिए भटकने के बाद वापस लौटती हैं चट्टानों के इस इलाके में, जहां से नीचे घास का ये मैदान नजर आता है। ग्रेनाइट की इन चट्टानों के बीच इनके शावकों के छिपने की ढेर सारी जगहें मौजूद हैं। इस झुंड की तीसरी शेरनी
अभी आराम कर रही है। इसके तीन शावक बस कुछ ही दिन पहले पैदा हुए हैं। शेरों के शावक सभी मांसाहारी जीवों की तरह बहुत छोटे होते हैं। पैदाइश के वक्त इनका वजन सिर्फ 1.5 किलो होता है। कई हफ्तों तक ये बच्चे एकदम लाचार होते हैं। इन्हें अपनी माँ की हिफाजत और गर्मी की जरूरत पड़ती है। इनकी माँ इन्हें अपनी बहन के बच्चों से दूर रख रही है, क्योंकि वो थोड़े बड़े और बदमाश हैं। जाहिर है कि ये नाजुक बच्चे उनके सामने सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लकड़बग्घों के बच्चे भी नन्हे और लाचार ही होते हैं, जैसे कि ये बच्चा जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन लकड़बग्घों के बच्चों की आंखें खुली होती हैं और दांत काफी तीखे होते हैं, और उन्हें फौरन ही इनका इस्तेमाल भी करना पड़ता है। इनकी माँ ने झुंड की मुख्य खोह से काफी दूर यहाँ अपने बच्चों को जन्म दिया और फिर एक छोटे से बिल में छिपा दिया था। चित्तीदार लकड़बग्घों के 4 बच्चे तक हो सकते हैं, पर आमतौर पर 1 या 2 ही बच्चे पैदा होते हैं। पास ही एक और मादा ने अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जगह खोज ली है, पर यह बच्चा 2 सप्ताह का हो चुका है। दोनों मादाएं एक ही झुंड की हैं, जान पहचान वाली हैं, पर एक दूसरे की तरफ देख नहीं रही हैं, जबकि ये बच्चा काफी जिज्ञासु है। ये नन्ना बच्चा नहीं जानता कि ये जा कहां रहा है। मुख्य खो के आसपास जो गहमा गहमी होगी, वहां जाना इसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। माएं अपने बच्चों के साथ कई घंटों तक लेटी रहती हैं और उन्हें दूध पिलाती रहती हैं। लकड़बग्घे के दूध में दूसरे जमीनी हमलावरों की मादाओं के दूध की तरह प्रोटीन नहीं होता। इसमें वसा की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इस माँ के दूसरे बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो स्तन तक पहुंच पाए। पैदाइश के वक्त ही इसकी बहन ने इसे काट कर दूर भगा दिया था। दूध इन बच्चों की बढ़त के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ मादाएं तो साल तक बच्चों को दूध पिलाती रहती हैं। माओं के लिए ये काफी मुश्किल होता है, पर वो यहाँ तक गोश्त ला नहीं सकती, क्योंकि ऊंचे दर्जे के लकड़बग्घे उसे चुरा कर ले जाएंगे। ये माँ अपने दूध को दूसरी माओं के बच्चों के साथ साझा भी नहीं करना चाहती। दो हफ्ते हो गए हैं। तीनों शेरनियों के शावक अब एक साथ खेल रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है, वरना इसमें आमतौर पर देर लगती है। पर धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं और इनकी उम्र का फर्क अब मायने नहीं रखता। ये शावक रोज चट्टानी इलाकों में मिलकर धूम मचाते हैं और इनमें अच्छी दोस्ती हो गई है। एक झुंड की मादाएं अक्सर एक साथ ही बच्चे पैदा करती हैं। जब कोई शेर किसी झुंड को जीतता है, तो अक्सर इसके बाद बच्चे पैदा होने का एक नया चक्र शुरू होता है। कोशिश करती हैं कि वो अपने ही बच्चों को दूध पिलाएं, पर हमेशा ये मुमकिन नहीं हो पाता। कई बार तो तमाम भूखे बच्चे किसी भी मादा का दूध पीने चले आते हैं।
ऐसा लगता है कि दिन की गर्मी में यहाँ जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन यहाँ की अनजान दरारों, खोहों और गुफाओं में शेरों के शावक पल रहे हैं। शेरों की गुफा में दूसरे भी कई जीव रहते हैं, जैसे ये एलिफेंट श्रू पक्षी, रेंगने वाले जीव और भी कई चिड़ियाएं। दिन में ये चट्टानें तप जाती हैं और दरारें कुदरती तौर पर बहुत ठंडी हो जाती हैं। रेड हेडेड अगामा और सेनेगल वॉटेड प्लावर मिलकर यहाँ रहते हैं। यहाँ की गर्म चट्टानों में इन्हें अपने अंडे सेने में मदद मिलती है। जब तक शेरनियां आसपास हैं, शावक यहाँ सुरक्षित रहते हैं, पर जब वो शिकार के लिए निकलती हैं, तो शावक कई घंटों तक चट्टानों के बीच की दरारों में अकेले रहते हैं। और यही वो पल है जब शिकार की तलाश में निकलते हैं सांप। ग्रेनाइट की इन गर्म चट्टानों पर रॉक पाइथन रहते हैं, जो छोटे हिरणों तक का गला घोंट सकते हैं। शेरों के बहुत सारे शावक अजगरों का शिकार बन जाते हैं, खासकर इन चट्टानों पर रहने वाले झुंड में। हालांकि शेर इस खतरे से काफी चौकन्ने रहते हैं। ये अजगर अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है, इसके बावजूद वो एक शावक को मारकर खा चुका है। शावक शरारती और जिज्ञासु होते हैं, खतरे से अनजान। शेरनिया बहुत ही सावधान रहती हैं। भले ही अजगर जहरीला नहीं होता, पर इनके काटने पर शेरनियों को दर्द बहुत होता है। शेरनियां अपने शावकों को खतरे से दूर ले जा रही हैं। वो उनकी गर्दन दबोच लेती हैं और इसके बाद उन्हें जहां चाहे ले जाती हैं। सांप को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आमतौर पर उसका सामना बच्चों से होता है, शेर तो कभी सामने नहीं आता। अभी तक शायद इसने एक मां का गुस्सा नहीं झेला है। अजगर खतरे में है, पंजे के एक झपट्टे में उसकी पीठ टूट सकती है। वो चुपके से झाड़ी में जाकर छिप गया है। इसने शेरनियों से अपनी जान बचा ली है। कम से कम फिलहाल तो ये शावक इतनी उथल पुथल के बाद मां का गुनगुना दूध पीकर सुकून हासिल कर रहे हैं। ये झुंड आराम कर रहा है, पर सांप को जैसे सुकून नहीं है। एक घंटे बाद वो फिर बाहर आ गया है। इसकी पीठ पर घावों के निशान हैं। ऐसा लगता है कि शावकों की गंध इसे अपनी तरफ खींच रही है। अब इन शेरनियों का धीरज जवाब दे गया है। उन्होंने इस सांप को घेर लिया है। अब इसमें जरा भी ताकत नहीं बची है। Thank you.
अब बस एक ही रास्ता बचा है। यहां से निकल लो घावों का दर्द सहते हुए। ये यहां की एक दरार में घुस गया है। इस झुंड पर हमेशा सांपों का खतरा बना रहता है, पर इन चट्टानों के इतने सारे फायदे हैं कि शेर यहां से कभी हटेंगे नहीं। इन मैदानों पर शायद ही कभी सांप लकड़बग्घे के लिए खतरा बनते हो। शाम ढल चुकी है, बच्चे और बड़े साथ खेल रहे हैं। ये ऊबड़ खाबड़ इलाका है और ये जगह नए पैदा हुए बच्चों के लिए नहीं है। अब तक माँ ने बच्चों को मुख्य खो से दूर रखा था, अब वो अगले कदम के लिए तैयार हो चुकी है। मुख्य खो पर कोई ना कोई पहरा देता रहता है, इसलिए जब माएं दूर जाती हैं तो उनके बच्चे हमलावरों से सुरक्षित रहते हैं। इस सुरक्षा का हिस्सा बनने के लिए माओं को झुंड की गतिविधि का हिस्सा बनना पड़ता है। इसके रिश्तेदार इन बच्चों से जान पहचान कर रहे हैं। एक मादा लकड़बग्घा कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है। हालांकि इसकी उम्र कम है और ये माँ लकड़बग्घे से कमजोर भी है, पर चूंकि इसकी माँ ऊंचे दर्जे की है इसलिए इस घुसपैठिया मादा का दर्जा भी काफी ऊपर है और ये इस मादा को चुनौती दे सकती है। आमतौर पर जीत नौजवान लकड़बग्घे की होती, पर यहां एक बच्चा दांव पर लगा है। माँ ये भूल गई कि ये ऊंचे दर्जे वाली मादा है, उसने उसे बहुत अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। अब वो अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह पर जा रही है। रात की ठंड में सबका गुस्सा ठंडा हो गया है। माँ ने अपने बच्चे के लिए एक जगह खोज ली है और अब वो दूध पी सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक ये नया मेहमान बहुत कम दिखता है। बस कुछ मिनट ये बच्चा अपनी माँ का दूध पीने आता है। इस मादा बच्चे को तेजी से बड़ा होना होगा, ताकत हासिल करनी होगी ताकि झुंड के दूसरे बच्चों के बीच वो अपनी जगह कायम कर सकेगी। यहाँ 15 माएँ रहती हैं और कम से कम 20 युवा लकड़बग्घे सुबह और शाम मुख्य खो के दरवाजे पर धमा चौकड़ी करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये खेल रहे हैं, पर यहां मौज मस्ती नहीं हो रही। बार बार ये एक दूसरे को काट रहे हैं और ये कोई खेल तो नहीं है। भाई बहन अक्सर एक दूसरे के लिए बहुत आक्रामक हो जाते हैं। हैसियत की ये जद्दोजहद पैदाइश के वक्त शुरू होती है, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की हैसियत विरासत में मिलती है, इसलिए भाई बहनों में जोरदार मुकाबला चलता है, खासकर बहनों में, क्योंकि आखिरकार बेटे तो झुंड से निकलकर दूसरे झुंड में चले जाते हैं। एक झुंड में हैसियत बढ़ाने के लिए एक बहन को अपने जुड़वा को हराना पड़ता है। जो बच्चा ताकतवर होता है वो कमजोर बच्चे को अपनी माँ के दूध से दूर खदेड़ देता है। लकड़बग्घे के करीब एक चौथाई बच्चे तो भूख से मर जाते हैं।
शुरुआत में उन्हें अपनी माँ की हैसियत का पता नहीं होता, इसलिए वयस्कों को हैसियत का रौब जमाना पड़ता है। 9 महीने का होने तक इस शावक को अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया है। दो महीने बाद चट्टानों पर रहने वाला शेरों का झुंड यहां से चल पड़ा है। शेर शिकार की तलाश में विशाल सवाना मैदानों में भटक रहे हैं। शावकों को अब चट्टानों पर माओं की हिफाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी शावक एक साथ रहते हैं, इसलिए तीनों शेरनियां भी एक साथ शिकार पर निकलती हैं। विशाल शेर शेरनियों और उनके शावकों के साथ कम ही वक्त बिताते हैं, पर वो हमेशा आसपास रहते हैं। जब कभी भी दूसरे शेर खतरा बनकर घुसपैठ करते हैं, वो अपने शावकों की हिफाजत के लिए हाजिर हो जाते हैं। जुलाई का महीना खत्म हो रहा है। सेरेंगेटी में विल्ड बीस्ट का झुंड उत्तर की तरफ चल पड़ा है। ये इस सफर पर इसलिए निकलते हैं क्योंकि दक्षिण में घास के मैदान सालाना सूखे की वजह से खत्म हो जाते हैं। रास्ते में मारा नदी इनकी प्यास बुझाती है और इसके पार नजर आते हैं घास के हरे भरे मैदान। हर साल विल्डबीस्ट को मारा नदी पार करनी पड़ती है। इस पूरी नदी के किनारे काफी ज्यादा ढलान वाले हैं। चाहे 15 मीटर की खड़ी दीवार ही क्यों न हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही पहला विल्डबीस्ट कदम आगे बढ़ाता है, इसके बाद सींग वाले इन फुर्तीले जानवरों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। कमाल की बात यह है कि इनमें से कई ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बचे रहते हैं। इस ऊंची दीवार को पार करने के बाद इस नदी को पार करना बच्चों का खेल है, बशर्ते यहां मगरमच्छ ना हो। इस वक्त ये धारा की दिशा में तैर रहा है और हमला करने की हालत में नहीं है, पर जब ये मुड़ता है और धारा के उलट तैरता है तो ये हमला कर सकता है। अब ये तैयार हो गया है। विल्डबीस्ट इस खतरे से पूरी तरह बेखबर हैं। मगरमच्छ को धीरज से इंतजार करना है। इन जानवरों को दूसरी तरफ हरे भरे मैदान मिल गए हैं। इनके बीच एक अनूठा मेहमान भी आ गया है। इसका रंग तो विल्डबीस्ट जैसा ही है,
पर शरीर जीब्रा जैसा है। ये है एक नन्हा जीब्रा। इसे गहरी रंग वाली एक नस्ल माना जाता है। दो जीन्स की एक दुर्लभ संयोग ने इसकी चमड़ी पर गहरा रंग बढ़ा दिया है। विल्डबीस्ट के साथ चरते हुए इस बछड़े पर किसी की नजर तक नहीं पड़ेगी, पर जीब्रा के साथ ये फौरन पहचान में आ जाता है। इसके बचने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि हमलावरों की नजर इस पर फौरन पड़ जाएगी। अपने काले सफेद रिश्तेदारों की तुलना में ये बहुत ज्यादा खतरे में है। इस विशाल टोली के पीछे पीछे कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आ जाते हैं जो चट्टानों पर रहने वाले शेरों को पसंद नहीं आते। भटकते हुए शेर विल्डबीस्ट के पीछे यहाँ चले आए हैं। ये ऐसे युवा हैं जिनका अपना कोई इलाका नहीं है। ये इन जानवरों का पीछा करके जिंदा रहते हैं। यहाँ रहने वाले शेरों के झुंड के लिए ये घुसपैठिए बड़ा खतरा है। अगर यहाँ पहले से मौजूद झुंड के शेर कमजोरी दिखाएंगे तो ये उन्हें यहाँ से खदेड़ कर भगा देंगे। इससे झुंड का ढांचा शर्मना जाएगा और फिर शावकों की जान जाना तय होगा। इसलिए विल्डबीस्ट के आने पर खाने की बहुतायत भले हो जाती है, पर इससे लड़ाई झगड़े, खतरा और तनाव भी बढ़ जाता है। लकड़बग्घों के लिए ये विशाल झुंड एक तरह से दावत का मौका लाते हैं। कमजोर और बीमार जानवरों पर इनकी खास नजर रहती है। पर ताकतवर नरों से इन्हें बचकर रहना पड़ता है, क्योंकि वो लकड़बग्घों से नहीं डरते। इस वक्त उत्तरी सेरेंगेटी में दक्षिण से ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए विल्डबीस्ट यहां आए हुए हैं। लकड़बग्घों को इस मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मौसम ठंडा होता है तो शिकार की इनकी तकनीक ज्यादा कारगर बन जाती है। चीतों के उलट लकड़बग्घे दूर तक दौड़ने में काफी माहिर होते हैं। अफ्रीका के सभी हमलावरों में सबसे ताकतवर दिल इन्हीं का होता है। ये बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। विल्डबीस्ट छोटी दूरियों तक तो तेज दौड़ सकते हैं, पर लंबी दूरी तक ये टिक नहीं पाते। लकड़बग्घे विल्डबीस्ट को तितर बितर करते नजर आ रहे हैं, पर असल में वो बछड़ों की तलाश में है, क्योंकि उन्हें मारना बड़े जानवरों की तुलना में ज्यादा आसान होता है। इस बार उनका काम नहीं बना है। इन्होंने चीते के शिकार का सत्यानाश भी कर दिया है। लकड़बग्घे चीते के शिकार को चुराने में भी माहिर होते हैं। आज तो काम नहीं बनने वाला, इसलिए चीते वापस लौट रहे हैं। हालांकि चट्टानों पर रहने वाले झुंड को घुसपैठिए शेरों से अपने बच्चों को बचाना है, पर अब इनकी जिंदगी पहले से आसान बन गई है। तीन महीने तक यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके आगे घुसपैठियों का खतरा भी कुछ नहीं है।
यहाँ लगातार चले आ रहे विल्ड बीस्ट को देखकर शावकों की जिज्ञासा भी जाग उठी है। यहाँ हर नौसिखिया शिकार के अपने हुनर को परखना चाहता है। इसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसकी अनुशासनहीनता ने माँ का गुस्सा भड़का दिया है। जिन जानवरों को शावक ने डराकर भगा दिया, ये उनका शिकार करना चाहती थी। अब एक और शेरनी हमले में शामिल हो गई है। दोनों ने मिलकर एक कमजोर विल्ड बीस्ट को अलग कर लिया है। ये शेरनियां इतनी अनुभवी हैं कि इनके लिए आगे का काम मुश्किल नहीं होता। बारिश भरी दोपहर लकड़बग्घों के लिए शिकार का सही मौका है। शाम का यह ठंडा मौसम इनकी थका देने वाली तकनीक के लिए सही वक्त होता है। ये अकेले या छोटी टोलियों में झुंड की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि विल्ड बीस्ट लकड़बग्घों को खतरा ही नहीं मान रहे हैं और चरने में जुटे हुए हैं। और लकड़बग्घे चले आए हैं। घुसपैठी शेर भी यहां मौजूद हैं। इस झुंड में कुछ बछड़े भी हैं जो बदहवासी में यहां वहां भाग रहे हैं, पर शिकारी एकदम मुस्तैदी से अपनी निगाहें उन पर टिकाए रखते हैं। एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया है। अब शिकारी के लिए एकदम सही मौका है। लकड़बग्घे के पास अभी भी काफी ताकत बची है। जबकि विल्ड बीस्ट का बछड़ा लगातार धीमा पड़ता चला जा रहा है। एक और लकड़बग्घा शिकार में शामिल हो गया है। लकड़बग्घे के पंजे धारदार नहीं होते। वो दांतों से अपने शिकार को जकड़ते हैं और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही दो युवा घुसपैठियां शेरनियां भी इस मुहिम में शामिल हो गई हैं। इतने सारे लकड़बग्घे देखकर झुंड को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो वो इनसे टक्कर ले रहे हैं। पर इस बीच घुसपैठिए शेर आ गए हैं। शेरनियां लकड़बग्घों को डराकर भगा देती हैं, पर शेर तो उन्हें मार डालते हैं। इसलिए लकड़बग्घे पीछे हट गए हैं। इतने छोटे से शिकार के लिए घायल होना या जान गंवाना ठीक नहीं है। ये निराश हो गए हैं। शेर चुराए हुए शिकार की दावत उड़ा रहे हैं। लकड़बग्घों ने अपने साथियों को बुला लिया है। बड़ी तादाद में फौज चली आई है।
कुछ ही पलों में झुंड की सारी मादाएं यहां आ गई हैं, कुल 20 मादाएं। अब विशाल बिल्लियों को समझदारी से काम लेना होगा, कुछ ही पलों में हालात बिगड़ सकते हैं। ज्यादा तादाद ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शेरनियां घबरा गई हैं, पर दोनों युवा शेर अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे हैं। लकड़बग्घों को उनका खाना वापस नहीं मिला है। शेरों ने फिर साबित कर दिया कि ताकत बन सकती है आफत। ज्यादातर नन्हे शेर चुराए हुए शिकार या लाशों को खाकर ही जिंदा रहते हैं। इस बीच वो शिकार के अपने हुनर को निखारते चले जाते हैं। सवाना मैदान पर शेरों ने अपना दबदबा दिखाया है। पर ऐसा कम ही होता है कि घास के मैदानों पर कोई शेर आधी रात को किसी लकड़बग्घे का शिकार चुरा ले पर उसकी जान बख्श दे। शावकों को इससे मतलब नहीं है, उन्हें तो खाना मिल जाए बस। लेकिन जल्दी ही इस इलाके के इन शावकों का मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि इनके पिता जंगल के शेर बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें चुनौती देने वाले युवा शेर ज्यादा ताकतवर और जिद्दी बनते जा रहे हैं, और चूंकि लकड़बग्घों से उनकी टक्कर कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए जल्द ही इस लड़ाई में इन नौजवानों को भी शामिल होना पड़ेगा।